नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आप इस ट्यूटोरियल में डॉम इवेंट के बारे में जानेंगे। जो इसमें आप लोग आप क्या जानेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशनल मॉडल क्या है एंड W3 इवेंट रिमूव इवेंट लिस्टनर एंड इवेंट मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इवेंट हम पिछले भी ट्यूटोरियल में आपको इवेंट करके दिखा चुके हैं, लेकिन आइए हम इस ट्यूटोरियल में आपको दोबारा इवेंट के बारे में बताते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ठीक है, उसको करने के लिए हम यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ आईडी इक्वल टू टी, आईडी इक्वल टू टी आर, एक ट्रेडिशनल के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंड पैराग्राफ में हम दे देते हैं दिस इज अ ट्रेडिशनल मॉडल इवेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है और इसको हम ऑन क्लिक इस पे लगाएंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं वेर पी, यहाँ वेरिएबल कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिएबल नेम, वेरिएबल पी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। आई डी हम क्या डालेंगे, टी आर ए, जो पैराग्राफ का है। ठीक है, ये हमारा एक इसको यानी पी के अंदर ये सारा चीज़ स्टोर होने लगा। ओके, अब हम यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू डालते हैं, फंक्शन फंक्शन हमने एक फंक्शन इसके इक्वल टू एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है और ये फंक्शन हमारा क्या वर्क करेगा, ये फंक्शन हमारा वर्क करेगा दिस, अर्थात कि जो भी ये सेलेक्ट हुआ है यानी जो आईडी सेलेक्ट हुआ है उसका दिस डॉट, हम इसका क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। फिलहाल हम पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, ये देखिए दिस इज ए ट्रेडिशनल मॉडल इवेंट। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम दिस डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। ओके, दिस डॉट यानी इसका स्टाइल का बैकग्राउंड इक्वल टू हमने यहाँ पे डाल दिया FCF। आप यहाँ पे वाइट रेड जो भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, हम कोड डाल दिए। एंड ये कब वर्क करे, ओके हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद नो। ठीक है, अब ये देखिए अभी वर्क नहीं है इस हो रहा है। ठीक है, इसका सो तो देखिए ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब इसको वर्क करने के लिए हम चाहते हैं कि ये किस मेथड पे वर्क करे, ये हम चाहते हैं इवेंट ऑन क्लिक पे या फिर ऑन माउस या जो भी आप की पे प्रेस की पे भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने से ये इवेंट का कलर ये हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा पी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, आई डी का नेम, और इसके बाद यहाँ पे हमको देना होगा डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। अब इसका क्या होगा कि अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लिक करते ही ये इसका कलर चेंज हो गया। ओके, और आप अगर चाहें तो इस पैराग्राफ ये वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल आप इवेंट मॉडल में आप ले सकते हैं W3C के स्कूल में। फिलहाल इसमें अगर आप चाहें तो पैराग्राफ वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्लिक करते ही ऐसे भी हो जा रहा है। अगर आपको वेरिएबल लेके करना है तो वेरिएबल लेके आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कंट्रोल एक्स, इसको हमने कट कर दिया यहाँ से और पी में सेलेक्ट कर लिया पी डॉट और पी डॉट ऑन क्लिक फंक्शन इतना दैट इतना। ओके, ये पुराना मेथड था, अब इसको जरा चेक कर लेते हैं वापस से हम, ये देखिए वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली एकदम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा W3 इवेंट मॉडल में। ठीक है, ये क्या नया तरीका निकाले हैं कि ये उन ब्राउज़र में सपोर्ट करेगा जो विंडोज़ 8 या 8 से पुराने वर्जन है उसमें ये वाले सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड,
लेकिन अभी ये जो है W3 इवेंट मॉडल जो है, ये लेटेस्ट जितने भी हमारे ब्राउज़र हैं सब में ये सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं W3 इवेंट मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, और सेम यही प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे। अभी देखिए कोई भी इवेंट इसमें नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि वेरिएबल बना लेते हैं p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ये रखते हैं। और इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन नेम हम डाल देते हैं एफ नेम, वेरिएबल एफ नेम इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन एंड फंक्शन में हम क्या डालते हैं, फंक्शन हमारा यही रहेगा दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू, हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाए FDF, ओके। ये हमारा बैकग्राउंड हो जाए कब, जब ये फंक्शन रन हो तो। दिस किसका, जिसके थ्रू ये जो करंट जो भी करंट हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये दिस का प्रयोग किया गया, ठीक है। नाउ अब हम एड इवेंट लिस्टनर का प्रयोग करेंगे, ओके। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे पी डॉट, यानी पी के अंदर हम इवेंट लिस्टनर कर रहे हैं, ठीक है, एड, ठीक है, इवेंट, एड इवेंट लिस्नर, ओके, एड इवेंट लिस्नर हम डालते हैं। और इसके बाद एड इवेंट लिस्नर में हम फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डालते हैं, क्लिक, यानी ऑन क्लिक पे, इसमें ऑन क्लिक को क्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्लिक। एंड क्या क्लिक करने पे क्या इफेक्ट, कौन सा हमारा फंक्शन वर्क हो, एफ एन, यानी कि पी जो इवेंट है उस पर क्लिक होने पे एफ एन हमारा रन हो जाए, ओके। सो आइए हम जरा चेक करते हैं इसको, ये देखिए क्लिक करते ही हमारा ये वाला फंक्शन रन हो गया। इसका कहने का क्या मतलब है कि पी में एक इवेंट लिसनर ऐड हो जिसमें क्लिक करते ही हमारा ये फंक्शन रन हो, ओके। इसमें पैरामीटर और भी पास कराते हैं फॉल्स, ठीक है। फिलहाल आप ऑटोमेटिक फॉल्स ले लेगा, आप इस तरह भी देख सकते हैं क्लिक करते ही ये इवेंट रन हो। अब यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, डी 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 एफ डी, ओके। सो अब इसमें क्या क्या यूज है, अब इसको बनाने के बाद आप चाहें तो पी के अंदर ढेर सारे पैरामीटर को भी, सॉरी ढेर सारे आप इवेंट लोड कर सकते हैं। सपोज आप एक और फंक्शन को आप साथ में ही रन कराना चाहते हैं, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है एफ एन वन, और इसमें स्टाइल इसका बैकग्राउंड नहीं रखते हैं हम लोग, इसका रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग रखते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड रख देते हैं, ठीक है। अलर्ट हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हम लोग हेलो वर्ड रखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब ये जो इवेंट लिस्नर है दोनों फंक्शन को एक साथ कॉल करा देगा, जैसे कि आइए चेक करते हैं हम लोग जरा, हमने यहाँ पे क्लिक किया इसका, ओके नहीं हुआ, क्लिक डॉट एफ एन वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लिक किए, ये कलर चेंज हुआ और यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स खुल के आया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये नए जितने भी फिलहाल तो जितने भी इस समय के ब्राउजर है सब में ये अपडेट है, ठीक है, एड इवेंट लिसनर। अगर किसी ब्राउजर में ये वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर सकते हैं ऑन क्लिक, दोनों सेम ही वर्क करता है, सेम ही आउटपुट देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सुविधा ज्यादा हो जाती है हमारे एड इवेंट लिसनर के लिए, ठीक है, तो आप ये भी समझ गए। सो नाउ अब आते हैं हम लोग रिमूव इवेंट लिसनर के बारे में। सिंपल सा है कि अब हम उसी डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हम इसी पे लेके चलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसी को पूरे को कॉल करा लेते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग पहले, सो कॉल कराते हैं और बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। इसमें हमने पी को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और एक फंक्शन हमने इसको, इसमें हम फंक्शन तो क्रिएट कर रहे हैं, अब यहाँ पे फंक्शन हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं
पी डॉट, यानी ये पी डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, ओके रिमूव इवेंट लिस्नर हम ऐड कर दिए, और इसके बाद हम इसमें किसको रिमूव करना है मुझे ये पहले देखना है। इसमें हम क्लिक ही रखते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही कौन सा इवेंट रिमूव हो जाए, F1 ही फंक्शन रिमूव हो, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पे अलर्ट रख लेते हैं, अलर्ट इसमें हम लोग हेलो प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऐड रिमूव इवेंट लिस्टनर रखते हैं, ठीक है। और नाउ लास्ट में हम पी डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर में हम वापस से कॉल कराते हैं, क्लिक करते ही हमारा fn वर्क करे, ठीक है fn वर्क करे, ठीक है। ये कुछ समझ में आया? अच्छा इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग। देखिए हम यहाँ क्लिक किए, कुछ गड़बड़ है क्या, पी डॉट ट्रेडिशनल पी डॉट, एक मिनट, ओह यस ये देखिए यहाँ पे, ठीक है हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ये कॉमा गलत हो गया था, सेव करते हैं। नाउ चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए हमने एक बार क्लिक किया ये हेलो आया, एंड दोबारा हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये इवेंट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया कि ये इवेंट रिमूव हो चुका। अगर हम इसको हटा देते हैं, सपोज इसको हटाते हैं और अब चेक करते हैं तो ये बार बार वर्क करेगा, ये देखिए जब क्लिक करेंगे आप इस पर तब ये हेलो प्रिंट होगा। लेकिन हमको अगर ये इवेंट रिमूव करना है, सिंपल वही हम लोग कोडिंग लिखते हैं जो यहाँ पे लिखे होते हैं, क्लिक को पास कराते हैं ऑन क्लिक एंड एफ एन यानी फंक्शन नेम, और रिमूव इवेंट लिस्नर यानी रिमूव इवेंट लिस्नर करते ही ये इवेंट रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों आपको रिमूव इवेंट लिस्नर समझ में आ गया। नाउ हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट समझते हैं कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओके सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इमेज कॉल करा लेते, टेबल बना लेते, टेबल एंड टी आर ठीक है, और यहाँ पे हम टी डी इमेज कॉल करा लेते हैं, हम इमेज एस आर सी वन डॉट जे पी जी एंड इमेज बंद टी डी बंद, ठीक है, एंड हम इसको चार कर लेते हैं, पांच कर लेते हैं, ठीक है वन सब में वन ही रहेगा, ठीक है एंड इसका आउटपुट जरा चेक करते हैं हम लोग, यस सब में, अच्छा दो तीन और बना लेते हैं इसी तरह, ठीक है सेव कर लेते हैं। नाउ चेक करते हैं और बना लेते हैं, ओके ठीक है। नाउ हम चाहते हैं कि ऑन क्लिक या ऑन माउस जब भी हम जिस भी पूरे में से किसी भी इवेंट पे हम जाएं, किसी भी इमेज पे जाएं, तो ये इमेज चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, या ऑन क्लिक पे इवेंट चेंज हो या ऑन ओवर माउस पे, ऑन माउस पे हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट इवेंट क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको डिसाइड करना है कि ऑन क्लिक, चलिए ऑन क्लिक पे ये चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, आई डी नेम क्या है हमारा, हम आई डी ले लेते हैं, ये टेबल का आई डी एक दे देते हैं, आई डी इक्वल टू, क्योंकि इवेंट है तो हम यहाँ पे आई डी इज़ इक्वल टू दे देते हैं टेबल, टेबल आई डी इज़ इक्वल टू हमें टेबल दे दिया है। नाउ हमने यहाँ पे भी टेबल दे देते हैं टेबल, बट अगर हम लोग को गेट एलिमेंट बाई आई डी रखना है तो पर्सनली हमको एक एक पे आई डी देना होगा, अगर हमको पर्सनली एक एक पे आई डी देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो हमको चिल्ड्रन चाइल्ड नोड का प्रयोग करना होगा। तो आइए हम लोग पर्सनली एक एक आई डी देते हैं, पर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो अगर चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप आई डी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, टेबल पूरे टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम दोनों एक दोनों प्रकार से देखेंगे, लेकिन सबसे ईजी तरीका ये होगा हमारे लिए। तो आइए हम पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है।
सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी टेबल हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर को ऐड करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते एक फंक्शन वर्क करें। फंक्शन नेम हम दे देते हैं टेबल, फंक्शन नेम डाल देते हैं या टीबी डाल देते हैं, ये फंक्शन नेम है हमारा, ठीक है, ये वर्क करें, ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पे क्लिक करते ही, यानी इसके अंदर पूरे में कहीं पर भी क्लिक करते ही ये चेंज होगा, ये टेबल इफेक्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग, टीबी के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे टीबी बनाएंगे, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं टीबी इक्वल टू, एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, वैसे हम इवेंट के लिए टी पास कर रहे हैं, आप चाहें तो पी एफ या टेबल के लिए टेबल पास कर सकते हैं आप पैरामीटर। अब हम यहाँ पे देंगे कि इफ, यदि टेबल पैरामीटर, आप टेबल पैरामीटर शायद कंफ्यूज हो जाएं कि टेबल आईडी है, नहीं टीबी रखते हैं, टीबी डॉट टारगेट, टारगेट ठीक है, टीबी का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, एस आर सी पे होना चाहिए, ठीक है, यानी इस पे होना चाहिए, टेबल का टारगेट एस आर सी पे होना चाहिए, ठीक है, इस आईडी का मतलब इस फंक्शन का, सॉरी इस फंक्शन का टारगेट किस किस पे होना चाहिए, जो भी पैरामीटर यानी कोई भी जो भी इस पे क्लिक करेगा उसका टारगेट हमेशा होगा एस आर सी पे। ओके नाउ इफ अगर ऐसा है तो हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ ये होना चाहिए कि टेबल टी ए डॉट टारगेट डॉट एस आर सी इक्वल टू, उसका एस आर सी चेंज हो जाए यानी टू डॉट जे पी जी हो जाए, ये हमारा हो जाए जब ये क्लिक हो। ओके सो नाउ हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं, और अब इसका हम आउटपुट जरा देखते हैं, इसको सेव कर दिए एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। ऑन क्लिक यानी हम क्लिक किए, कुछ प्रॉब्लम है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है। ऑन क्लिक जहाँ पे भी जिस भी इवेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका इमेज ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऑन क्लिक करते ही ये जिसमें एस आर सी टारगेट हो, मतलब जिसमें जिसका इस फंक्शन का काम यह है कि जो भी आर्गुमेंट पास हो रहा है उसका टारगेट हमेशा एस आर सी पे होगा। अगर इसके इसके अलावा अगर हम कुछ और यहाँ पे लिखेंगे तो ये वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, इसका हमेशा टारगेट एस आर सी पे रहेगा, जिसकी वजह से ये एट इवेंट लिस्टनर वर्क कर रहा है। अगर आप चाहें यहाँ पे माउस माउस ओवर ओवर भी लगा सकते हैं, माउस ओवर, अब यहाँ पर अगर माउस लेते ही जाएंगे तुरंत ऑटोमेटिकली ये सब चेंज होगा इवेंट। ओके दिख रहा है, वंस मोर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पूरा इवेंट समझ में आ गया होगा कि डॉम इवेंट में क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड, डब्ल्यू थ्री द्वारा इवेंट मॉडल और रिमूव इवेंट एंड इवेंट ऑब्जेक्ट की ढेर सारे इवेंट हो तो किस प्रकार से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर